हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, ओम स्वस्ति अस्तु। मैं की रामा यानी डॉक्टर संजय शाह आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि आपके सवाल आते हैं और मैं जवाब देता हूं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक फॉलोअर है जो जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया है। हेलो संजय जी, होप यू आर डूइंग वेल। सर, एक रिक्वेस्ट है, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, एक वीडियो का लिंक उन्होंने भेजा है, और प्लीज हेल्प मी टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिज्म, मैस्मेरिज्म, हिप्नोसिस एंड गंधम। बहुत अच्छा सवाल है और मैं थैंक यू बोलूंगा आपको कि आपने ये मौका दिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। और फिर से बोलूंगा, आप लोगों का अगर कोई सवाल ऐसे होगा तो आप जरूर मुझसे सवाल करें। व्हाट्सएप, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करोगे तो मेरे पास वो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ उसके जवाब देने का, जो उसका जवाब मेरे पास है। तो अब इसको हम एक पार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म, मैस्मेरिज्म, हिप्नोसिस, गंधम, चार सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप सर्च करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे चारों को मिलाकर एक मूल तत्व तो आपको बताना चाहूंगा। चारों जो चीजें हैं इसमें से तीन, यानी कि मैग्नेटिज्म, मैस्मेरिज्म और गंधम, तीनों एनर्जी लेवल पे काम करती है। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, ये सब कोर्स के कंटेंट है, वैसे बहुत सारे वीडियो में बताए गए हैं। किसी भी हीलिंग प्रोसेस या कोई भी ऐसा पद्धति है जहाँ पे आप खुद के या दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, वो सारी चीजें एनर्जी साइंस से ही रिलेटेड है। जैसे आप चाहो रेकी है, कुंडलिनी रेकी है, एंजल हीलिंग कोर्स है, क्रिस्टल थेरापी, प्राणिक हीलिंग, कुंडलिनी सिस्टम ऑफ हीलिंग, बहुत जो भी चीजें हैं। लेकिन जैसे एक्यूप्रेशर है वो एनर्जी साइंस में नहीं होता है, एक्यूप्रेशर आपको फिजिकल बॉडी में डायरेक्ट वर्क करता है, और एनर्जी थेरापी, ऑल्टरनेटिव थेरापी जो होता है, एनर्जी थेरापी होती है, वो एनर्जी बॉडी लेयर पे काम करते हैं। बिकॉज हर एक चीज जो दुनिया में है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता, सबका अस्तित्व इस दुनिया में है। उसी प्रकार से हर एक वस्तु या चीज जो दिखता है, या किसी इंसान है, या कोई वस्तु हो, सामान हो, किसी मोबाइल फोन हो या कुछ भी हो, सबका एक फिजिकल बॉडी तो है, साथ में एक एनर्जी बॉडी भी है हर इसका, उसी को हम लोग EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी कि ऑरा, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। हर एक चीज जिसका हम फिजिकल बॉडी को छोड़कर एनर्जी बॉडी पे हील करते हैं, उसको हम लोग एनर्जी थेरापी बोलते हैं या एनर्जी मेडिसिन बोलते हैं, और जिस चीज को हम फिजिकल बॉडी पे यूज करते हैं वो फिजिकल थेरापी, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम है, एक्यूप्रेशर है, बहुत सारी चीजें ऐसे जिसके द्वारा हम फिजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं। आइए पहले इसको हम डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिज्म, मैस्मेरिज्म, गंधम, हिप्नोसिस, ये चार को। तो सबसे पहले मैं इसको लूंगा हिप्नोसिस को। हिप्नोसिस एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हम वर्बली आगे बढ़ते, यहाँ पे हम एनर्जी लेवल पे वर्क नहीं करते, यहाँ पे हम लोग माइंड लेवल पे काम करते। हिप्नोसिस के द्वारा हम वर्बली कमेंट करके किसी के सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी पैटर्न हो उसको चेंज करने के लिए हम लोग उस थेरापी का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए एक कृत्रिम निद्रा अवस्था यानी ट्रांस के सिस्टम में हमको ले जाना पड़ता है किसी को, और वो वर्बली किसी को, बहुत सारे टेक्निक्स है, मसल रिलैक्सेशन है या आई कैटलिसिस है, बहुत सारे टेक्निक्स है हिप्नोटिज्म में। बहुत बड़े बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट दुनिया में आए हैं और आज भी हैं, जो नए नए तरीकों को ढूंढ निकालते हैं और बहुत इंस्टेंटली वर्क करते हैं, बहुत अमेजिंग साइंस है। हालांकि मेरी जर्नी एक टीचर के या एक गुरु के पास में सीमित नहीं रहा, मैंने बहुत सारे गुरुओं के पास ये हिप्नोटिज्म को सीखा, मेरी जर्नी विदेशों के गुरुओं के पास भी मैं गया और हिप्नोटिज्म को सीखा। तो असल जो हिप्नोटिज्म है, जिसके भीतर बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आज के डेट में जो चल रहा है, चाहे वो NLP हो,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, एज डिटेक्शन है, थेटा हीलिंग, बहुत सारे चीजें आज के डेट में आ गए हैं। अगर मेरे नजर से देखेंगे इस सब हिप्नोथेरेपी का एक पार्ट है, बट हाँ डिटेल्स में जाते हैं, कोई भी कोर्स गलत नहीं है। किसी चीज को अगर कब जैसे माइंड प्रोग्रामिंग वगैरह किसी चीज को अगर आप डिटेल में सीखना चाहोगे तो उसका अलग से स्पेशल लिस्ट के पास में जाकर आपको एक कोर्स को करना चाहिए। मैं किसी चीज को गलत साबित नहीं करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, मैं माफी चाहूंगा, ये सिर्फ डिफरेंट बताने के लिए मैं कर रहा हूँ जो सवाल मेरे पास आया। और ये वर्बल, हम वर्बली कमेंट करते हैं, कुछ कंफ्यूजन स्टेट को क्रिएट करते हैं, कुछ बातों से कंफ्यूज करते हैं, कुछ हैंड्स मूवमेंट से क्रिएट कंफ्यूज करते हैं, और उनको हम अपने क्लाइंट्स को हम मजबूर करते हैं हमारे बातों को फॉलो करें, और जो सरेंडर करेगा और फॉलो करेगा वो हिप्नोटाइज होगा, उनको रियल बेनिफिट मिलेगा। एक ट्रांस की अवस्था जाना में जाना जरूरी है, उसके बाद में उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स है उसके जगह में हम पॉजिटिव पैटर्न्स कमेंट के जरिए ही उसको बदलते हैं, रिप्लेस करते हैं, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न नया क्रिएट करते हैं कि वो अपने लाइफ को चेंज कर सके। और हिप्नोटिज्म के दौरान नशा मुक्ति, एंग्जाइटी, बाकी इंसोमेनिया वगैरह बहुत सारे चीज़ें हैं, हाँ मेंटली डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है हिप्नोसिस, जहाँ पे हम वर्बली काम करेंगे, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, वॉइस के द्वारा वर्बल हम वर्क करते हैं। हाँ कोई अगर उस प्रकार का महान संत इंसान हो जिसके पास सिद्धियाँ हैं, उनके शब्दों में एनर्जी तो होती है, तो वहाँ पर वो एनर्जी भी काम करता है जो कि सबकॉन्शियस माइंड को कमेंट देने के लिए, उसको मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं मैस्मेरिज्म। डॉक्टर फ्रांस एंटन मैस्मर, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप इसको समझें। डॉक्टर फ्रांस एंटन मैस्मर को अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो कौन नहीं जानता, लेकिन हाँ अवेयरनेस कम है हमारे भारत में या दूसरे दूसरे जगहों में, लेकिन अगर आप उनको गूगल में सर्च करोगे उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बहुत अमेजिंग, और ऐसे इंसान है जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में प्राचीन काल में उनका नाम है, क्योंकि एक मैजिक मैन के नाम रूप से भी उनको जाना जाता था, और एक कई लोग उनके विरोध भी किए थे उस समय जब उनका जीवन काल चल रहा था। एवं मैंने ये भी सुना है कि उस समय के जो मास्टर हिप्नोसिस या हिप्नोथेरापिस्ट थे वो मैस्मर के एग्निस्ट में वर्क करते थे। मैस्मर के बारे में बहुत सारे कहानी है, कहानियों पे जाऊंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो डॉक्टर फ्रांस एंटन मैस्मर ने पहली बार मैस्मरिज्म का खोज किया, उनको गॉड गिफ्टेड एनर्जी मिली, कहाँ से मिली कैसे मिली इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन कौन सा रियल है नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ पे कहानी पे नहीं जाऊंगा। तो मैस्मर के नाम से मैस्मरिज्म बना, और ये एनर्जी साइंस है। आज के डेट में वर्ल्ड में कई सारे बड़े बड़े मास्टर्स हैं जो मैस्मरिज्म को सिखा रहे हैं, जो एनिमल मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। एनिमल मैग्नेटिज्म के द्वारा हम एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, और उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए गुरु द्वारा कई सारे टेक्निक्स सिखाए जाते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे त्राटक हो, एक्सरसाइजेस हो, बहुत सारे हैंड मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, मेडिटेशन है, उसको करने के बाद में आपके भीतर वो क्षमता आती है कि किसी को आप मैस्मराइज कर सकते हो, और ये नॉन वर्बल होता है, यानी कि आपको वर्बली कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं है। हाँ मैस्मरिज्म सीखने के बाद आप वर्बल कमांड दे सकते हो, आसान बन जाता है। इसमें भी हम साइकिक डिजीज का हीलिंग करेंगे, या कोई पेन वगैरह के हीलिंग करते हैं बॉडी में, एंग्जाइटी, फिर नशा मुक्ति आदि बहुत सारे चीज, माइंड की प्रोग्रामिंग वगैरह, हम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। और इस चीज को सीखकर इसमें सक्सेस होने के लिए कम से कम 6 महीना से 1 साल समय लगता है। अगर आप जीतोड़ मेहनत करोगे 6 महीने में आप कामयाब होने लगोगे। बहुत अमेजिंग साइंस है जिसमें हम बिना कमेंट किए कुछ हाथों के इशारों से, कुछ सिंबल के माध्यम से, कुछ सिंबल्स हैं एंसियंट सिंबल्स हैं जिसको मैस्मेरिज्म में यूज किया जाता है, और आई गेजिंग, हैंड मूवमेंट्स, ब्रीथिंग टेक्निक, ब्लो करके यानी कि फोक, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे करके हम मैस्मेरिज्म टेक्निक्स को यूज करते हैं, और इससे लोगों का डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग नॉक करते हैं, कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं, ट्रांस का मूवमेंट आता है,
जरूरी नहीं कि ट्रांस का मतलब सोना, या कोई व्यक्ति सो गया है आंखें बंद करके, ऐसा नहीं। मतलब किसी किसी का तो आंख खुले रह के भी ट्रांस में चला जाता है, कि जो कि गेंदम से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन मैस्मरिज्म से भी ये किया जा सकता है। और ऐसे चीजों में किसी प्रकार का एंशियंट मंत्रा वगैरह यूज नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिज्म और गेंदम में मंत्रा यूज होता है। मैस्मरिज्म में किसी प्रकार का मंत्रा नहीं है, ये टोटल एनर्जी फ्रिक्वेंसी को साधक साधना के माध्यम से क्रिएट करता है, और अपने आंखों के जरिए से, अपने हाथों के जरिए से एनर्जी को थ्रो करते हैं। आंखों के चक्रास, हाथों के और उंगलियों के चक्रास से एनर्जी बाहर निकलती है, और फूक मारते हैं, कुछ सिंबल्स को हम लोग एनर्जी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे करके हम किसी को एक ट्रांस के मोमेंट में ले आते हैं, और वहां पे हम उनका हेल्प करते हैं थेरेपी के माध्यम से। और इसमें स्पर्श चिकित्सा भी होता है, जैसे टच थेरेपी। इसमें हम कुछ ऐसे जगह पे क्वांटम टच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम टच थेरेपी एक अलग है, लेकिन एक्चुअली ये मैस्मरिज्म के द्वारा ही उसका निर्माण हुआ था मेरे जानकारी के अनुसार। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज के डेट में धड़ल्ले से चल रहे क्वांटम हीलिंग मैग्नेटिज्म और मैस्मरिज्म का एक मिला जुला रूप है, जहाँ पे साधक साधना भी करता है और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, वॉइस कमेंट्स भी देते हैं, साउंड भी करते हैं। साउंड से याद आया, मैस्मरिज्म में कुछ साउंड भी है, जो सारे साउंड बहुत हेल्प करता है क्लाइंट को ट्रीटमेंट करने में। तो इस प्रकार से मैस्मरिज्म वर्क करता है, और डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर का ये देन है। आज के डेट में विदेशों में बहुत अच्छा से ये चल रहा है, और इसको एनिमल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हम हर एक मतलब जीवित वस्तु प्राणियों का हम इस्तेमाल मतलब इसके द्वारा हम मदद कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म, देखो अब मैं बोलूंगा कि देखो मैस्मरिज्म को है एनिमल मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, तो ये मैग्नेटिज्म क्या है? एक्चुअली मैग्नेटिज्म और मैस्मरिज्म सेम है, परंतु मैं जिस मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, आप लोग उसको जानना चाहते हो जिसको मैं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म के नाम से सिखाता हूं, या फिर आज के डेट में बहुत सारे लोग जो इंडोनेशिया से आया हुआ मैग्नेटिज्म का बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं उस मैग्नेटिज्म का बात कर रहा हूं जहां पे मंत्रा यूज होते हैं, मंत्रा साइंस। एक्चुअली ये जो मैग्नेटिज्म है, ये जावानीज मैग्नेटिज्म है। इंडोनेशिया जो देश है, इंडोनेशिया देश में एक समय पे एनर्जी थेरेपी चलती थी, आज भी चलता है, लेकिन एक समय में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चलता था। वहां पे बहुत सारे एंशियंट साइंस है, जिसमें पहला जो स्टेज है, पहला स्टेज में हम लोग मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसको एंशियंट जावानीज मैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है, या बोल सकते हो या जावानीज मैग्नेटिज्म। कुछ टीचर्स हैं, उसमें से एक टीचर आज के डेट में बहुत फेमस हो गए हैं, जिन्होंने जावानीज मैग्नेटिज्म को अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म के नाम से डेवलप किया, और उन्होंने जावानीज लैंग्वेज, जो कि बहुत टफ है और पुराना है, उस लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया, और पूरे वर्ल्ड वाइज उस कोर्स को करवा रहे हैं। जी हाँ, आप लोग उनका नाम समझ चुके होंगे, मेरे कुछ वीडियो उनका नाम मैंने जिक्र भी किया है। तो है मैग्नेटिज्म, और उस मैग्नेटिज्म में एंशियंट मंत्रास हैं, और लगभग सारे चीज सेम है। मैग्नेटिज्म और हिप्नोटिज्म, या मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म को कंबाइंड करके उस चीज को हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली इसको समझते हैं, जो जावानीज मैग्नेटिज्म का प्रोसेस क्या है। जैसे कि डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर का कहना है कि वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी के समंदर में जी रहे हैं, यानी कि हर चीज एनर्जी है, हम भी एनर्जी, आप भी एनर्जी है। ये जो मोबाइल में या लैपटॉप में या किसी भी चीज में आप, या टीवी में ये जो वीडियो आप मेरा देख रहे हो, वो भी एनर्जी है। मतलब इस दुनिया में एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है, आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी। मेरा कहना नहीं है, डॉक्टर फ्रांस एंटन मेस्मर का कहना है, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज है मैस्मरिज्म और एनिमल मैग्नेटिज्म के नाम से। उसी प्रकार से अगर आप पुराने प्राचीनतम इतिहास को खोलोगे, तो हमारे रामायण महाभारत जो हमारा धर्म ग्रंथ है, तो मैं हिंदू हूं, इस हिंदू के हिंदुत्व के हिसाब से मुझे हिंदू मैथोलॉजी में जो सब चीजें मिली है, उसके अनुसार मैं ये बोलूंगा कि उस समय पे, जो प्राचीन समय में, चाहे सत्य त्रेता द्वापर, आज तो कलयुग चल रहा है, तो सत्य त्रेता द्वापर युग में जो सारे एनर्जीज उस समय के जो हीलर्स, ये योद्धा लोग यूज करते थे,
क्या आज के डेट में वो एनर्जी नहीं है? है, बट उसको हासिल करने का तरीका, सही तरीका हमको मालूम नहीं है। जावानिस मैग्नेटिज्म में थोड़ा शॉर्टकट किया गया, क्योंकि साधना में बहुत वक्त लगता है। यहाँ पे हम, अगर आप एक ओरिजिनल जावानिस मैग्नेटिज्म के माध्यम बन जाते हो, गुरु के द्वारा आपकी इनिशिएशन हो गया है और उसमें कुछ टेक्निक्स आपको सिखा, जिसके द्वारा आप दुनिया में हर एक तरह के ऊर्जाओं को पहले तो आप अट्रैक्ट करोगे, उसको डाउनलोड करोगे, फिर उसको एम्पलीफाई करोगे, उसके बाद उसके यूज करोगे, और ये कुछ जावानिस मंत्रों के सहयोग से होता है और गुरु के इनिशिएशन के द्वारा आपके भीतर ये क्वालिटी जागने लगती है। इसको मेंटेन करना तो बहुत जरूरी है, जो मेंटेन नहीं करता उसका काम बंद हो जाता है। बहुत सारे मास्टर्स को देख, आज के डेट में बहुत आगे बढ़ गए थे, वो समंदर की लहर की, अंडमान में रहता हूं, समंदर की लहर की बात याद आती है कि बहुत समंदर में करोड़ों लहर होते हैं, हर एक लहर जब ऊंचा उठता है तो देखता है कि बहुत सारे लहर नीचे है, बट जब ऊंचा उठता है और क्षण मात्र में फिर से वो पानी में, समंदर में मिल जाता है। ऐसा ही है, बहुत सारे गुरु ऐसे हैं मैंने देखा है कि मैग्नेटिज्म सीखे, मतलब उनके अंदर क्या आ गया पता नहीं, वो कुछ स्पिरिचुअलिटी को समझे ही नहीं और अपने आप को ही महान साबित करने में लग गए। आज के डेट में धप से पानी में मिल गए, वो मिक्स हो गए, अब बहुत कम ही चल रहा है उनका। तो ऐसे गलतियां हैं। जब हम स्पिरिचुअल साइंस में जाएंगे तो हमको स्पिरिचुअलिटी को याद करना बहुत जरूरी है और उसको याद रखना भी जरूरी है। मिट्टी के इंसान है, मिट्टी में ही मिल जाना है, पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, पंच तत्व में ही मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा, बस यही है कहानी। क्या ले आया हूं, क्या ले जाऊंगा, हम रहे तो रह जाएगा तो केवल नाम रह जाएगा। तो उस नाम के लिए कुछ अच्छा करना बहुत जरूरी है, अच्छा करने के लिए त्याग और समर्पण बहुत जरूरी है। तो चलिए मैग्नेटिज्म में दोबारा आते हैं। तो ये जो जावानिस मैग्नेटिज्म या मैं सिखा रहा हूं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, तो जो जिस गुरु ने आज के डेट में इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया मंत्रों को, कुछ शब्दों को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कन्वर्ट, तो उसको छोड़कर बाकी सारे शब्दों को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया और बहुत सारे लोगों को सिखाए हैं, आज भी सिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें वर्क भी हो रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल जावानिस मैग्नेटिज्म है और जो कन्वर्ट मैग्नेटिज्म है उसमें थोड़ा सा फर्क है। मैंने देखा 1900 मतलब 1920 का फर्क है, क्योंकि कुछ एंसेंट जो जावानिस मैग्नेटिज्म है उसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि मैंने उस चीज सीखा मेरे गुरु से, मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि इंडोनेशिया के हैं और इस्लाम धर्म से रिलेटेड, यानी वो मुसलमान है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे इंडोनेशियन एंसेंट साइंस के नॉलेजेस दिए हैं, उसका इस वीडियो में जिक्र करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि एक वीडियो मेरा है इंडोनेशिया का, एक तो वीडियो मेरा है जिसमें आप सर्च करोगे मेरे यूट्यूब चैनल में, आपको समझ में आ जाएगी 7 लेयर्स। उस 7 लेयर्स में जावानिस मैग्नेटिज्म फर्स्ट लेयर में आता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आता है, और उसमें ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जो सीक्रेट्स को शायद जिस गुरु ने इंग्लिश में डेवलप किया, पूरे वर्ल्ड में सिखाना चाहते हैं, उनको लगा शायद, एक्चुअली सही भी है, वो शायद नहीं चाहते कि उस सीक्रेट को लोग सभी लोग जाने, क्योंकि वो सीक्रेट से नेगेटिव वे में भी वर्क किया जा सकता है, मे बी मुझे लगता है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट आज के कलयुग में लोगों का दिमाग शॉर्टकट की ओर भागता है, तो लोग जल्दी जल्दी कुछ करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे भी 2-4 स्टूडेंट्स को ऊपर मैंने देखा, लेकिन वो ईश्वर के आशीर्वाद से एनर्जी खत्म हो गई, वो लोग काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए उस चीज, उस सीक्रेट को छुपाया गया। हाँ, बट आपको 90% जेन्युइन चीजें दिया जा रहा है, और उसमें उन्होंने जोड़ा हिप्नोटिज्म के कमेंट्स को जोड़ा। एक्चुअली जावानिस मैग्नेटिज्म में मंत्रों की सहायता से, और यानी कि मंत्रों के सहयोग से और टेक्निक के माध्यम से, फूक के माध्यम से, वाटर मैग्नेटिज्म के माध्यम से आपके हीलिंग ट्रीटमेंट और ये सब चीजें की जाती थी। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग वगैरह पुराने प्राचीन लोगों के टाइम समय में वो सब नहीं था, जो एंशियन जो मास्टर्स थे, जो जावानी सेंसेंटर्स थे या गुरु लोग थे प्राचीन, जो आज के डेट में वो लोग नहीं है, फिजिकल बॉडी में मौजूद नहीं है, बट एनर्जी बॉडी के रूप में गुरु लोग आज भी है, जैसे साई बाबा है, बुद्धा है,
बहुत सारे मुनि ऋषि हमारे भारत के जो एनर्जी बॉडी के रूप में दुनिया में मौजूद है, जिनको हम लोग बुलाते हैं और हमको मदद मिलता है। उसी प्रकार इंडोनेशिया के उन गुरु को बुलाने से मदद मिलता है, बट उन गुरुओं को बुलाने का तरीका आना चाहिए। जिस मास्टर ने इसको मॉडर्नाइज किया और उसको अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म नाम दिया, उन्होंने इसमें हिप्नोटिज्म को जोड़ा, मेस्मरिज्म को जोड़ा, रेकी को जोड़ा, प्राणिक हीलिंग को जोड़ा, ये सब को जोड़कर अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म कोर्स बना, जो कि एक अपने आप में संपूर्ण है। बट उसी को आज के डेट में भारत में, छोटा सा बात बता दूं, भारत में या भारत के आसपास के देशों में जैसे नेपाल हो या अलग अलग जगह पे हो, कुछ मास्टर से उसको अपने लेवल पे बोल रहे हैं और बोलकर लोगों को कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये जावानीज मैग्नेटिज्म है, जिसको अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म उन्होंने सीखा उस मास्टर से जो इंग्लिश में सिखाए, और उसके बाद उन्होंने उसमें अपना जोड़ना, मतलब वो जुगाड़ूपन तो हमारा नेचर है, वो चल रहा है और इसमें चल रहा है, और धीरे धीरे ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही है। और वही जैसे रेकी का ज्ञान भारत में जैसा चल रहा है कि 90% रियलिटी नहीं है, 90% क्रिएटिविटी है, 10% ओरिजिनल ट्रेडिशनल उसी रेकी चल रहा है, वो भी ओरिजिनल उसी रेकी नहीं है, वो एक्चुअली वो जो चल रहा है उसी तिब्बतन रेकी का 10% और 90% यहाँ के रेकी मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स की मिक्सिंग मिलाकर एक रेकी प्रोसेस चल रहा है, थेरेपी चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं हो रहा है। उसी प्रकार मैग्नेटिज्म का भी वैल्यू मिक्सिंग के साथ धीरे धीरे डाउन 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 होता जा रहा है। बस ये है वो असल कहानी जो आपको समझाना चाह रहा था। एक्चुअली मैग्नेटिज्म में अभी जो चल रहा है, अगर हम एंशियंट जावानीज मैग्नेटिज्म को भी हम सीखते हैं तो उसमें हिप्नोटिज्म को जोड़ने से बहुत शक्तिशाली वर्क करेगा, यानी वॉइस कमांड्स को जोड़ना है, कुछ मैस्मरिज्म के टेक्निक्स को जोड़ेंगे और इंपॉर्टेंट काम करेगा। आप मेरे जो पुराने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म के वीडियो में बहुत सारे कमाल करते सारे उन सबको जोड़ है और मैंने कई सारे इसमें प्रैक्टिस किए हैं, तभी ये चीज बोल रहा हूं। मैं शुरुआत में कुछ लोगों को बोलता था कि मेरे मैग्नेटिज्म के गुरु इंडोनेशिया के हैं, मुसलमान है, हालांकि कुछ वीडियो मैंने बोला कि डॉक्टर रविंद्र यादव जो नेपाल के हैं वो मेरे गुरु हैं। हाँ, वो मेरे पहले गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा जो अल्टीमेट जावानीज मैग्नेटिज्म, उनका गुरु इंडोनेशिया के हैं। बट बाद में मैं ढूंढते हुए इंडोनेशिया के गुरुओं के पास पहुंचा, ओरिजिनल जो असल एंशियंट जावानीज मैग्नेटिज्म है वो भी मैंने सीखा। और जब सीखा तो मैं देखा कि जो इंडोनेशिया का जो मास्टर इंग्लिश में सीखा और इसमें फर्क देखा दोनों को मिक्स करके, जो बुक्स है जो मेरे गुरु की रविंद्र यादव सर से मैंने सीखा था उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन मैंने देखा एक्स्ट्रा जोड़ा इसमें नहीं है वो, और इसमें कुछ ओरिजिनलिटी को छोड़ा जो कि जरूरत नहीं है लोगों को देना, अगर देंगे तो उसका गलत उपयोग हो सकता है। हालांकि अभी देख रहे हो ना जो लोग सीख रहे हैं उन लोग मिक्स कर रहे हैं, जब मिक्स कर रहे हैं तो गलत में मिक्स क्यों नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो इस प्रकार से ये जो मैग्नेटिज्म है, जो जावानीज मैग्नेटिज्म है, ये एंशियंट साइंस है जो कि इंडोनेशिया से आया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये सारी चीजें भारत से ही इंडोनेशिया में गया, विदेशों में गया, ऐसा बोला जाता है। हमारे पुराने प्राचीन मुनि ऋषि लोग सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करते थे, आकर्षण विद्या का इस्तेमाल करते थे। तो ये सम्मोहन है या वशीकरण है या जो भी है, अगर उसको मिला के तो मैग्नेटिज्म से मिलता जुलता है तो हो सकता है, क्योंकि अगर आज के डेट में इंडोनेशिया में देखेंगे तो बहुत सारे हिंदू कल्चर जो भारत में नहीं है, वहां पर बाली एक ऐसा जगह है जहां पर हिंदुत्व को बहुत ज्यादा अस्तित्व में है और उनको मानने वाले बहुत हैं। इस प्रकार से ये आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है और आज के डेट में मैग्नेटिज्म क्या चल रहा है। अब आते हैं गंदम, थोड़ा सा समझेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग वर्बली कंफ्यूज करते हैं और कमेंट देते हैं कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करके, सबकॉन्शियस माइंड में इट्स हिप्नोटिज्म। मैस्मरिज्म नॉन वर्बल, हम एनर्जी के द्वारा डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को कमेंट करते हैं, नॉन वर्बल कमेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी और गेज के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा, बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत डिटेल्स है, मैं अभी आपको यहाँ पे इस पर वीडियो में बता नहीं पाऊंगा। वो मैस्मरिज्म कॉन्शियस माइंड को सुलाकर सबकॉन्शियस माइंड को कमेंट देना और एनर्जी थेरेपी को इस्तेमाल करना, वो है एनिमल मैग्नेटिज्म। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में हम
क्योंकि वी कैन अट्रैक्ट एनी एनर्जी, तो हम लव एनर्जी यानी कि लव एनर्जी से अपन हर तरह के रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। मनी एनर्जी, बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस को हम अट्रैक्ट कर सकते, मैग्नेटाइज कर सकते। मैग्नेटाइज, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट यानी कम आकर्षण, यानी आकर्षित कर सकते, ये है मैग्नेटिज्म। और सुंदर स्वास्थ्य के लिए हीलिंग कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल नॉन फिजिकल डिजीज के लिए हीलिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कलर थेरेपी वगैरह भी यूज करते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिज्म के द्वारा हम मनी, प्रॉस्पर्टी, अबंडेंस, सक्सेस, रिलेशनशिप, फिजिकल नॉन फिजिकल डिजीज, माइंड प्रोग्रामिंग, इंसोमिनिया, फोबिया आदि, नशा मुक्ति, हर तरह के चीजों को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैग्नेटिज्म में जब हम आ जाते हैं तब ओनली ट्रांस नहीं होता, उसमें हम इनडायरेक्टली डिस्टेंस में भी हीलिंग कर सकते हैं। एनर्जी और मंत्र, एंशियंट मंत्रों के सहयोग से लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसे हर एक चीज, मतलब आपको जो भी चाहिए इस दुनिया में, इस कलयुग में, वो हर एक चीज पॉजिटिव वे में आप इस्तेमाल या उसको अचीव कर सकते हो विथ मैग्नेटिज्म, विथ जावानिस मैग्नेटिज्म, विथ अल्टीमेट जावानिस मैग्नेटिज्म, या फिर कहे विथ यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म। तो ये है मैग्नेटिज्म की कहानी। अब आते हैं गंधम। अब आपके दिल में एक सवाल होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पे एंशियंट मैग्नेटिज्म या उसके बाद गंधम, कई लोग मजापति, कोई लोग मातरम गंधम, मजापति गंधम, ऐसे बहुत सारे नाम से बुला रहे हैं। कुछ वीडियो के लिंक्स मेरे पास आते हैं, हालांकि मैं किसी के वीडियो देखता हूं, लेकिन एक दो वीडियो मैंने देखा है जहां पे जो टेक्निक्स दिखा रहे हैं एक्चुअली एग्जैक्टली वो मैग्नेटिज्म है, इट्स नॉट गंधम। गंधम और मैग्नेटिज्म में जमीन आसमान का फर्क है, पहले आपको देख के लगेगा कि सेम है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। मैग्नेटिज्म और गंधम में क्या डिफरेंट है, मैंने बहुत सारे वीडियो बोला है, आगे भी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा। एक्चुअली गंधम प्राचीन समय में भारत में रामायण महाभारत काल में इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिज्म आकर्षण या सम्मोहन को, स्टेज को हम लोग ले, सम्मोहन यानी हिप्नो, आकर्षण मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेट तो आकर्षण करता है। गंधम टोटल अलग है। गंधम में मंत्रा तो है और बहुत एंशियंट प्राचीन मंत्रा है, लेकिन मंत्रा के साथ में सबसे बड़ी बात है, इट्स अ ब्लेसिंग, मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं ताज्जुब हो जाता हूँ। एक कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है गंधम सीखने के लिए, और ऑफलाइन कोर्स में मैंने देखा है कि एक से डेढ़ दिन में गंधम का उसको कोर्स मैं करवा देता हूँ उनको, ग्रैंड मास्टर लेवल के बाद। अब वो इंस्टेंटली मेरे सामने बादलों को हटा रहा है, बरसात आ रही है तो बरसात को ट्रांसफर कर रहा है, पेड़ के पत्तों को हिला रहे हैं, हवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है गंधम। एक्चुअली गंधम के माध्यम से हम किसी भी तत्वों को या शक्तियों को, चाहे एंजल हो, दिव्य शक्तियां हो, या कह प्राचीन समय में देव देवियों को, हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाजिर कर सकते हैं हमारे सामने। ये है गंधम, रियल गंधम, और उसके पीछे दिव्य शक्तियां वर्क करती हैं, जिसमें इंडोनेशिया में कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर मेरे दृष्टिकोण से देखोगे वो एंजल्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, दिव्य शक्तियां। जी हाँ, ये गंधम के साथ जुड़े होते हैं, और जो एंशियंट मास्टर्स हैं, एंसेंटर्स हैं जावानिस कल्चर के, और इस एनर्जी या एंशियंट साइंस के, उनकी ब्लेसिंग्स रहती है, यानी कि एसेंडेंट मास्टर्स, जो एसेंडेंट मास्टर्स के नाम से अलग से जाने जाते हैं वो नहीं, मैं टोटल जावानिस एसेंडेंट मास्टर्स की बात कर रहा हूं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ईश्वर के बाद से धीरे धीरे किसको मिला, उसके बाद किसको, ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी एक चेन सा जुड़ता हुआ स्टूडेंट्स के पास पहुंचता है, किसी मास्टर के पास पहुंचता है। और इस प्रकार से ये गंधम एक ब्लेसिंग के जैसा काम करता है। आफ्टर गंधम ब्लेसिंग, जब आप गंधम को इस्तेमाल करते हो तब आपको मंत्रा के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मंत्रा के द्वारा आप साधना करोगे। और एक कुछ मंत्रा है, सांग कामबांग दुओनो मलिक, ऐसे कुछ मंत्रा है, वो एक्चुअली एंशियंट मैग्नेटिज्म के मंत्रा है, अल्लाहुम्मा सरनिंग, ऐसे। आप लोग बोलोगे सर क्या इस्लाम से जुड़ा हुआ, नहीं, इस्लाम क्योंकि ये इंडोनेशिया इस्लाम बहुमूल्य देश है, और लोग
चेंज किए हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जुड़ा है इस्लामिक वर्ड्स, बट कोई भी धर्म के लोग इसको सीख सकता है, उसके लिए धर्म आपका भ्रष्ट नहीं होगा। एनर्जी का इस्तेमाल कैसे भी आप कर सकते हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, करीबन 30-35 से ज़्यादा इस्लाम यानी मुसलमान गुरु है मेरे, मेरा भाग्य है। और हिंदू गुरु अगर प्राचीन मतलब मेरा आज से 30-35 साल का मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, अगर हिंदू गुरु में देखा हूँ तो करीबन 70 से ज़्यादा मेरे हिंदू गुरु हैं। हर एक क्षेत्र को मिलाकर मैं जोड़ कर देखूंगा तो गुरु का भाग्य 100 से अधिक है मेरा। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप। आइए गेंदम में दोबारा लौटते हैं। तो गेंदम में गुरु आपको एक एक हर एक लेवल का इनिशिएशन देता तो है, शक्तिपात देता है, जिसको सिद्ध करने में आपको कई वर्ष लग जाएंगे, वो गुरु की शक्ति के द्वारा तुरंत मिल जाता है, विद इन 2 or 3 minutes के भीतर आपको मिल जाता है। ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है ये, उसको मेंटेन करने का तरीका आपको बताएगा। गुरु हर एक लेवल का कुछ मंत्रा आपको देगा, उस मंत्रा को चांट करने से वो टाइमिंग बताएगा कब उस मंत्र को चांट करना है, कैसे चांट करना है, उससे आपकी कनेक्टिविटी सुपर नेचुरल पावर की कनेक्टिविटी बढ़ती है, ईश्वर से गॉड से कनेक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर द हॉली चाइल्ड ऑफ गॉड, ईश्वर के हम पवित्र संतान हैं। तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, हमारा जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन कॉर्ड होता है, वो बहुत डेवलप करता है। तब जाके हम उस उन दिव्य शक्ति एंसेंडेड मास्टर्स एंजल्स आदि से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हमारे साथ हमारे ऑरा में रहते हैं और हमारे होकर हमारे लिए वर्क करता है, हम एक माध्यम बन जाते हैं उस समय। गेंदम ऐसी है। तो गेंदम से क्या कर सकते हैं, हर एक चीज, जैसे मैग्नेटिज्म से कर सकते हो, हिप्नोटिज्म से कर सकते हो, मेस्मरिज्म से कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो, क्योंकि उस समय आप एक एनर्जी बॉडी का, एक सोचो एक रिमोट का बैटरी है, और सोचो एक इन्वर्टर का बैटरी या गाड़ी कार वगैरह चलता है वो बैटरी है, और सोच लो एक बहुत बड़ा जनरेटर है जो कि पूरे शहर को, पूरे बड़े बड़े शहरों को, मेगा सिटीज को चला रहा है। तो आप गेंदम सीखने के बाद में आप उस बड़े जनरेटर में परिवर्तित हो जाओगे, आपको फिर आप छोटा मोटा इन्वर्टर या बैटरी या छोटा जनरेटर में रहने की जरूरत नहीं। गेंदम को मैंने ये जाना, यस गेंदम में आपको कोई भी एनर्जी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेंदम सीखने से सारी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड हो जाती है। बट इसमें भी व्हाइट गेंदम एंड ब्लैक गेंदम, देखो बार बार बोलूंगा, एनर्जी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट कुछ लोग हैं गलत इंटेंशन के द्वारा भी गेंदम का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, बट एक्चुअली उस समय वो गेंदम नहीं होता है, वो दूसरा ही साइंस हो जाता है, ब्लैक मैजिक साइंस हो जाता है, इट्स नॉट रियल गेंदम। मैं ओरिजिनल जो रियल गेंदम की बात करूं, इट्स प्योर वाइट मैजिक, कोई भी सीख सकता है। और जैसे ही सीखोगे, आपने कोई भी चीज सीखा, चाहे आपने रेकी सीखा है, आपने मैग्नेटिज्म सीखा है, आपने हिप्नोटिज्म सीखा है, आपने मेस्मेरिज्म सीखा है, आपने कुंडलिनी रेकी सीखा है, आपने प्राणिक हीलिंग सीखा है, हर एक चीज आपकी एनर्जी कम से कम 10 times बढ़ जाएगी। यह है सीक्रेट गेंदम। और गेंदम के द्वारा आप फिजिकल, नॉन फिजिकल, मेंटल, हर तरह की हीलिंग, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस के लिए हीलिंग, लव रिलेशनशिप के लिए हीलिंग, जॉब, बिजनेस, ये सब उसी में आ जाते हैं, सब कुछ इसमें शामिल है, आप कर सकते हो। और आप जहां पे भी जाते हो, गेंदम की ऊर्जा के साधक हो, इसीलिए गेंदम का मतलब प्यार है, प्रेम है, आकर्षण है, सब कुछ है गेंदम। तो आपके साथ जो नकारात्मक सिचुएशन होता है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मकता में बदलने लगता है, जो आपके बारे में गलत सोचने लगता है वो सोचते थे वो आपके बारे में अच्छे सोचने लगते हैं सामना होने से। ये है गेंदम। गेंदम यानी लव, कंपेंशन, त्याग, प्रेम, करुणा, माया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक ऐसा लेवल सृष्टि हो जाता है ऑटोमेटिकली गेंदम सीखने से और उसके बाद साधना करने से, कि ये दुनिया बहुत हसीन लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है, लगता है कि जीवन सुखी रहने के लिए दिया गया है। लेकिन गेंदम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से ही ऐसे आनंद आपको मिले। तो ये है गेंदम। हाँ, आप ट्रांस में लेना गेंदम से, अगर आप गेंदम सीखते हो तो मैग्नेटिज्म सीखने की जरूरत नहीं है, मैस्मेरिज्म सीखने की जरूरत नहीं, हिप्नोटिज्म सीखने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप हिप्नोटिज्म सीखते हो, क्लिनिकल हिप्नोटिज्म,
और माइंड प्रोग्रामिंग एनएलपी वगैरह आपने सीखा तो गेंदम आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा, आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि गेंदम में शब्द शक्ति भी होते हैं, आपके शब्दों में एनर्जी आ जाएगी, एक मुनि ऋषि जैसे, एक सिद्ध पुरुष जैसे, और आप जो बोलते हो फॉलो करने लगते हैं। कौन से लेवल में क्या क्या होते हैं अलग से वीडियो बनाया गया है, मेरे व्हाट्सएप में आप कमेंट करोगे तो मैं आपको उसका रिगार्डिंग लिंक्स वगैरह भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपके स्क्रीन में भी व्यू जितना दिखता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म, मैग्नेटिज्म और गेंदम में फर्क महसूस हो गया है। प्लीज रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जरूर पूरा देखो और अपने ग्रुप में शेयर करो, सोशल मीडिया, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपको पूरा पता चले कौन सा चीज क्या है। अब एक चीज और बोलूंगा, जो एंशियंट जावानी साइंस जो सेवन लेयर में मैंने बोला था, उस सेवन लेयर में फर्स्ट लेयर में यानी कि फर्स्ट स्टेट में आता है मैग्नेटिज्म, सेकंड स्टेट में आता है गेंदम, उसके बाद बहुत सारे और भी एनर्जीज हैं जो कि मिरेकल है और आसान बना देते हैं जिंदगी को। मेरे किस्मत में है, मैंने सीखा, गुरु को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, मैंने चाहा और ईश्वर ने मुझे दिया और सदगुरु दिए, सच्चा गुरु दिए, जिनके द्वारा मुझे ये चीज मिला है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आगे के प्रोसेस को सीखने के लिए गेंदम आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। आपका एक सवाल हो सकता है कि सर क्या मुझे हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है? जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप जाना है, लेकिन सेकंड स्टेप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप फर्स्ट स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट गेंदम को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अगर पहले फर्स्ट स्टेप में मैग्नेटिज्म सीखोगे उसके बाद गेंदम सीखोगे फिर आगे के थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतना देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरी ओर से आप सभी के लिए, ब्लेसिंग्स।